जी जलंधर लोग सभा की बाई इलैक्शन आ रही है उस संबंध के असी अज बैठक की थी और आने वाले दिनों साढ़े दो प्रोग्राम भी है 6 अप्रैल पार्टी का स्थापना दिवस है और दूसरा एक प्रोग्राम जोड़ा 14 अप्रैल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। दोनों ही जन्मदिन ने, पार्टी का जन्मदिन और अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन। ये असी पूरे पंजाब दे विच, मैं इस पखवाड़े का इंचार्ज हैगा उनके नाते और इस विधानसभा का इलैक्शन इंचार्ज के नाते असी हरेक बूथ के उपर हरेक मंडल और जिले के सारे प्रोग्राम करवा रहे हैं जिंदे झंडा लहराना उत्थे सारे वर्कर इकट्ठे होकर प्रधानमंत्री जी संबोधन भी सुनगे। प्रधानमंत्री जी उस दिन साढ़े नाल सानू दिशा निर्देश देंगे और इस तो अलावा जिन्हें भी साढ़े वर्कर ने आप पार्टी के वो सारे आप अपने घर झंडा लहराएंगे और इन कुछ जिलों के नाल असी तालमेल में इतों के लोकल वर्करां सहयोग देने वास्ते ड्यूटी लाई है उन्होंने भी अज बुलाया से उन्होंने जिले जे आए आ उन्होंने कितने कितने ड्यूटी लानी है वो सारा कुछ असी अज इस मूवमेंट को एक्टिवेट करने वास्ते इस मैं समझदा कि अज बहुत भरवीं बैठक हुई है जिन्हें जिंदा सारा सिरा जिहड़े पंकज धिंगला जी जिला प्रधान और उन्होंने टीम अमपद अमित विज ते उन्होंने सारे साथियों को जाता है कि उन्होंने अज जिथे ये भरवीं एक बहुत वड्डी बैठक कराई है उत्थे नाल आम आदमी पार्टी तो मेरे ख्याल और जनरल सैकटरी लैवल दे स्टेट लैवल का व्यक्ति जिन्हें शमूलियत की और इस तो अलावा नौजवानों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी तो उन्हां दी नीतियां नू देखते हुए भारतीय जनता पार्टी दे विच शमूलियत की है। उन्हां सारियां नू असीं जी आए कहने और पार्टी दे विच परिवार विच उन्हां दा मान सम्मान जिहड़ा है वो उन्हां नू पूरा दिता जाएगा और बाकी असी जनमानस ते लोगां दे विच एक गल दसना चाहते हैं कि ये जिहड़ी लोक सभा भारतीय जनता पार्टी नू वोट पाउण दी लोड़ क्यों है। कारण है कि पंजाब दे विच तुसीं देखिआ कि इत्थे तुहाडे नकोदर दे विच एक बहुत वड्डी घटना होई है कि एक व्यक्ति नू फरौती मंगी गई और उस तो बाद ना देते उन्हें गोली मार दी गई उहदे नाल उहदा साथी गनमैन भी सी उह भी उन्हें भी शहीद कर दिता गया। तो ये इस तरह के हालात ने और थाने के उपर कब्जा हो जाना और सारे शहरों के जितों लोगों को फोन आ रहे हैं फरौतियां भी आ रहे हैं फरौतियां लै रहे हैं और साडा सूबे का जिहड़ा मुख्यमंत्री वो जाता है बाहर बॉम्बे तो कहता भी लोगों को आओ कारोबार करो साढ़े आ के पहला सानू साडी स्टेट वाले तो संभालीए और इनकी लोड़ क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी दे। मैं उस दिन वेख्या सी मूसे वाले दे पिता जी बोल रहे थे कि योगी वर्गा अपना मुख्यमंत्री चाहिए क्योंकि उन्होंने सारे जिन्हें गैंगस्टर जिन्हे होर भी है उन्होंने सारियां नू जिहड़े समाज विरोधी अंसर ने उन्होंने नत्थ पाई हुई यूपी दे विच तो उनका जिहड़ा भी भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप जिन्हों मुख्यमंत्री बनाएगी वो योगी जी वांगू ही काम करेगा और पूरा असी यकीन दोने उनके वास्ते एक जिहड़ा पहला जिहड़ा एक छोटा जिहड़ा सैमीफाइनल गिली है कि वो उनके विच असी अपना इस लोक सभा तो भारतीय जनता पार्टी नू जिताउने आ ते आने वाले समय के 2027 विच जिहड़ी विधानसभा दे विच फिर जिहड़ा भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार बनाएगी और ये जरूरत इस करके आ कि सारे पक्षों तो क्योंकि साडा सूबा जिहड़ा है आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर है और इन्हां भी लगभग कई 1000 करोड़ का कर्जा जिहड़ा दसा महीनों के विच ही लै लिया है और कोई डिवेलपमेंट का काम नहीं हो रहा। लोगों ने जिहड़े वादे किए बीबिया 1000-1000 रुपया दे देंगे होर भी इन्होंने अनेक प्रलोभन दिए उन्होंने प्रलोभन लोग आ गए लेकिन लोग ठगे ठगे महसूस करते भी साढ़े ना होया कि और उन्होंने को राह नहीं दिसदा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। एक्सक्यूज मी सर, तुसी गल कर रहे हो टिम्मी चावला दी ते जिहड़ा पुलिस का जिहड़ा कॉन्स्टेबल सी उन्हूं तां 2 करोड़ की अमाउंट गवर्नमेंट वालों मिल गई है लेकिन जिहड़ा टिम्मी चावला आ उन्हां दा जिहड़ा ब्रदर आ उह तुहाडी पार्टी दे विच इक सक्रिय कार्यकर्ता बीजेपी पार्टी ने टिम्मी चावला की फैमिली लिए की कीता जी
मैं पता कर लांगा प्रधान जी हरा तो मैनू इस बारे जानकारी नहीं कि कुछ पार्टी लैवल तो होया क्योंकि मैं पहला कमीशन दे विच सीगा भारत सरकार दे विच तो उस तो बाद असी पार्टी दे नाल डट के खड़े और पार्टी वास्ते जिन्ना जो भी होया परिवार वास्ते साडे परिवार दा मैंबर गया है जे साडे साथी दा भरा सीगा तो साडा भरा सीगा इस करके पार्टी उन दे वास्ते जिन्ना भी वत्त वत्त हो सकदी ओह करेगी उन दी हैल्प करेगी परिवार दी हैल्प करेगी उन दे नाल हर तरह नाल मोड़े ना मोड़ा जोड़ के परिवार दे नाल असी खड़ांगे। तैयारियां साड़ियां कि साढ़े देखो साड़ी ड्यूटियां ने जिहड़ी जिहड़ा पखवाड़े दी मैं गल कीती है वह तो पूरे पंजाब की मैं गल दस सकदा ते जिहड़ा साडा इत्थों दा नकोदर दा है नकोदर दा मैं और मेरे नाल अमरपाल जी बोनी साबका MLA ने और इधर मेरे नाल साबका ADGP RP मित्तल जी और संजीव सूद है असी तीन चार लोग जिहड़े आ जिन्हां ड्यूटी मे जिम्मेवारी मिली है ते मैं बतौर इलैक्शन इंचार्ज इस इलैक्शन के प्रभारी ने तो ये जिले प्रभारी ने इस करके कि सानू असी पहली बैठक की 252 बूथ ने साडा काम है हुण हरेक बूथ के उपर फोकस करना और उतों जिहड़ा जित प्राप्त करना तो उन्हें असी माहौल बनाने वास्ते पास्यों भी जिहड़े वर्करां की ड्यूटी लाई है फाजिलका तो मुक्तसर तो और जगराऊ तो लुधियाना तो भी कुछ साथियों की ड्यूटी लाई है स्पैसिफिक जिहड़ा काम असी उन्हां तो लवांगे और वो बाकी इतों के लोगों का भी सहयोग करनगे। BJP की टिकट BJP की टिकट देखो पार्लीमेंट बोर्ड ने करना है और संभावना कि बहुत जल्दी जी टिकट निकले और टिकट तो देखो जे चोन निशान कमल का फुल होएगा टिकट किसी भी मिले और जोड़ा भी पार्टी पार्लीमेंट बोर्ड जिन्हों देगी असी भावें साडा जिहड़ा व्यक्ति आएगा वो चोन निशान कमल का फुल होगा हरेक वास्ते चोन निशान कमल का फुल जो सब कार्यक्रम हाईकमान दिते करांगे और कमल का फुल चोन निशान गेम पटाओ ना थोड़ा जहा सीधा गन्ना सीधी गल ते आओ मैं कैंडीडेट बारे पूछ रहा चोन निशान तो BJP का है कमल निशान देखो साडी BJP दी पार्टी है जो इलेक्शन क्लियर हो गई एक फिर तुम पंकज जी घुमा रहे हो थोड़ा जहा आइडिया सानू जोड़ दो आइडिया दो कि BJP का कौन लीडर आ रहा है किस नूं टिकट दिती जा रहा है पंजाब प्रधान नूं नहीं पता शेर शर्मा जी नूं कौन परवा रहा है BJP सर्कल गल करिए आपसी कहते भाईचारा नहीं आपसी BJP की नहीं बनी ओ बारे की विचार देखो अज तो पहले हो सकता गल हुई होवे बट वही मेरी जानकारी नहीं बट अज की डेट सारे कार्यकर्ता इकट्ठे है हाँ कुछ किसी का कुछ है किसी मन तो अभी डर के सुलझा कहना मतलब जो कोई पार्टी तो गया वापस आ सकता देखो जी साड़ी तो कोशिश है कि कोई भी ना जाए हजे तक तो कोई BJP गया नहीं बाहर ना असं जानते हैं असी साढ़े को देखो बाकी पार्टियां वर्कर साढ़े च आ रहे हैं और साडा वर्कर नहीं टुटेगा साडा वर्कर कट्टर पक्का अच्छा टिकट में दस दिन कहूँ मिल सर मैं कमू का निशान नहीं मिली है हाजरी के जिद BP जी परमजोत कौर खालसा जी वीर जी सरदार जी ढिंगरा साहब इन्हों की अगवाई देती
तो जिले के एंट्री की थी है BJP वालों। सो मैं वादा करदा कि मैं आने वाले समय के पार्टी को समझ के पार्टी की गतिविधियां समझ के दिलो जान दे नाल काम करूँगा तो पार्टी का नाम रोशन करांगे। तो वध तो वध जिन्हें भी होर पार्टी के काम करने वाले आ पंजाब के काम करने वाले हल्के के काम करने वाले आ वो सामने लिया के लोगों दी बाहां फड़ांगे तो बद चढ़ के। हाँ जी सत श्रीकाल जी। हाँ जी सत श्रीकाल जी। की नमस्कार सर, मेरा नाम हरकीरत सिंह है जी। कि जगह तो जी अपना यही हल्का कबूतर पिंड बूटा जी। इस टाइम जी जी दूजिया पार्टियां सारिया वाल लोग जोड़े आम आदमी वाल बड़ी आस की कैर लोगों ने देखा सी कि अभी साडा जो मुद्दे आ हल हो गए पर कोई नहीं हो रहा। इस टाइम मैं जो लगता ना पंजाब के हालात होंगे पंजाब बचा था सानू सेंटर पार्टी ने जोड़ना पड़ता। बाकी श्री नरेंद्र मोदी जी दी नीतियां बहुत वधिया है। एक मैं रोकना चाहूँगा जो आप पार्टी की गल की जी कणक का नुकसान होया जो मौजूद मन पत्थर आपने कहा वा वो किस तरह देते कुछ नहीं जी। वो तो उसके मूँह के जीरे के बराबर कह सकते हैं मजाक है जी किसान है जी। वो जिन्ने फसल से खर्चा आया हों छे महीने की फसल आ उस पर आस होती है तो 15,000 मजाक है बहुत बड़ा उसका मजाक है और जिदे पिछू ये भी नहीं मिलना है उम्मीद भी नहीं मिलना। कि नुकसान तो है नुकसान लगभग जी 80% कणक विजया पे हम दोबारा नहीं पाया इन्हें तो जोड़ा रिंता से उदा भी सत्या तो BJP तो की उम्मीद रखते। BJP तो उम्मीद रखते हैं जी जिदा इन्हों चंगी नीतियां है पंजाब लागू हो साडा पंजाब जोड़ा वैसे ही खाली हों जा रहा है क्योंकि साढ़े जोड़े बच्चे है यूथ आ वो सारा टैलेंट तो अभी बाहर से ही जा रहे हैं इतने जोड़ा मजबूर वर्ग आई बाहर नहीं बाहर आया। इस टाइम साढ़े हालात इतने ये भी साढ़े सिर पर कोई भी है नहीं गा इस करके सू सेंटर वालों देखना ही पैना है तो सेंटर ना सरकार जी कह सकते बनूगी साढ़े पंजाब का भला हो सकता है।